हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब की वीडियोस के लिए वायरल टैग्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उन्हें सर्च कर सकते हैं जिससे आपकी वीडियो वायरल हो। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है जब भी हम कोई नया चैनल बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर तो उसमें स्टार्टिंग में हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उस पर व्यूज़ नहीं आते क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भी कम होते हैं और व्यूज़ भी हमें कम ही मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो बिल्कुल थोड़े से मिलते हैं और हमारी वीडियो सर्च में भी नहीं आती, अगर आती है तो बहुत ही नीचे आती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप वायरल टैग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो वायरल होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी सारी वीडियोज़ वायरल होंगी, हो सकता है आपकी कोई एक वीडियो वायरल हो, कोई दो तीन वीडियो वायरल हो जाएँ, क्योंकि वीडियो का वायरल होना काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे आपका सबसे पहले थंबनेल देखा जाता है कि थंबनेल क्लिकेबल है या नहीं, उसके बाद आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको ये लैपटॉप पर सिखाने वाला हूँ, आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन से भी करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, सेम स्टेप्स हैं, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। मैं आपको लैपटॉप पे इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि उसकी स्क्रीन बड़ी होती है, आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ आपको डालना है www.google.com, एंटर कर देना है। ये आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, उसमें आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसकी स्क्रीन बड़ी है तो इस पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे जो पहला तरीका है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको गूगल पे लिखना है कीवर्ड टूल डॉट आईओ, एंटर कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये फर्स्ट नंबर पे ही आ गया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल है, यूट्यूब है, बिंग है, अमेजोन, ईबे, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। इन सब के कीवर्ड टूल आप यहाँ पे टैग्स जो हैं वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें YouTube के लिए चाहिए तो हमें YouTube के ऊपर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ए कीवर्ड का ऑप्शन आता है, इसमें यहाँ पे हमें कोई भी कीवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ से हमें अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, हम जिस कंट्री में हैं। यहाँ पे मैंने इंडिया इंग्लिश सिलेक्ट कर रखा है। ये यहाँ पे हमें जिस भी टॉपिक से हमने वीडियो बनाई हुई है अपनी, उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है हमें उसी टॉपिक को। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, जैसे मैंने पेटीएम फुल KYC कैसे करें, ये मैंने यहाँ पे डाला। और उसके बाद यहाँ पे ये जो सर्च का ये आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेता है, ये आप देख सकते हैं लोडिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे कीवर्ड्स हमें मिल गए हैं उससे रिलेटेड, पेटीएम फुल KYC कैसे करें 2021, पेटीएम फुल KYC कैसे करें, कितने सारे हमें टैग्स मिल गए हैं ये देख सकते हैं आप, पेटीएम फुल KYC करें 2021, आधार कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कितने सारे हमें मिल गए हैं यहाँ पे टैग्स। तो हम यहाँ से इन टैग्स को कॉपी करके यहाँ पे ये कॉपी एक्सपोर्ट ऑल का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ से हम इन्हें सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे, ये तो पहला तरीका हुआ जहाँ पे आप अपना कीवर्ड डाल के यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड आ गए हैं आप देख सकते हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे टैग्स आ गए हैं, इनको आप अपनी वीडियोस में डाल सकते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप। ठीक है, इस कॉपी पे क्लिक करके जो जो आपको टैग इसमें से सही लगे वो यहाँ से कॉपी करके आप अपनी वीडियो के अंदर डाल सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही आसान है, उसे मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा आप उस तरीके से करें तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी वीडियो वायरल होने के। तो इसमें हमें क्या करना है, दूसरा टैब लेना है,
उसमें हमें टाइप करना है यहाँ पे www.youtube.com, एंटर कर देना है। उसके बाद आपके को अपने जीमेल अकाउंट से इसमें साइन इन कर लेना है अपने यूट्यूब अकाउंट में, जैसे मैंने इसमें साइन इन किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कोई भी टॉपिक हो, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यही कर देता हूँ, पेटीएम फुल KYC। ये आप देख सकते हैं मैंने अभी पेटीएम फुल ही लिखा है और इससे जुड़े हुए कितने कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं, पेटीएम फुल KYC कैसे करें, पेटीएम फुल KYC, पेटीएम फुल KYC कैसे करें, कैसे करें पेटीएम फुल इंफॉर्मेशन, पेटीएम फुल KYC वीडियो कॉल, पेटीएम फुल KYC 2021। तो आप देख सकते हैं इसे यहाँ पे ऐसी कोई और टॉपिक भी हम सर्च कर सकते हैं, जैसे हम लिखें वायरल टैक्स का ही लिख दें, वायरल टैक्स। तो आप देख सकते हैं वायरल टैक्स फॉर यूट्यूब, वायरल टैक्स कैसे पता करें, वायरल टैक्स फॉर इंस्टाग्राम, फॉर यूट्यूब वीडियोस, फॉर इंस्टाग्राम रील्स, वायरल टैक्स फॉर फ्री फायर यूट्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको टैक्स देखने को मिल जाएंगे। ये वो टैक्स होते हैं जिनको लोगों ने बहुत बार सर्च किया हुआ है, ठीक है। तो इन टैक्स को आप अपनी वीडियो में डालेंगे तो आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी, उसके काफी ज्यादा चांसेस होंगे वायरल होने के, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो इसके ऊपर भी आपने वीडियो बनाई हुई है वो यहाँ पे आप डाल के यहाँ पे आसानी से अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, अपनी वीडियो के टैग्स को सर्च कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं जिनसे आप अपनी वीडियो को रैंक करा सकते हैं, उसको सर्च में ला सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छे टैग लगाने से ही आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि वीडियो वायरल होने के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। टैग्स आपका सिर्फ एक पार्ट होता है उस पूरे प्रोसेस का। इसके लिए आपको सबसे पहले एक थंबनेल होना चाहिए आपके पास, क्लिकेबल। क्लिकेबल का मतलब ये है कि कोई भी उस थंबनेल को देख के आपकी वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो जाए, इस तरीके का कोई थंबनेल आपको बनाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी ऐसा वैसा थंबनेल बना दें, मतलब आपका टॉपिक कुछ और है और आपने थंबनेल किसी और टॉपिक पे बना दिया है, तो वो आपको ध्यान रखना है जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है उसी टॉपिक का थंबनेल, उससे रिलेटेड ही आपको थंबनेल बनाना है। उसके बाद आपका टाइटल आता है कि टाइटल बहुत अच्छा लिखना है आपको, 100 वर्ड्स मिलते हैं टाइटल लिखने के लिए, तो वो पूरे 100 वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, हो सके तो 100 वर्ड्स लिखें। जितना बड़ा टाइटल लिखेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी वीडियो रैंक करने के। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसमें भी 5,000 तक वर्ड्स मिलते हैं आपको लिखने के लिए। आप जितना बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है, आपकी वीडियो को रैंक होने में हेल्प मिलती है, उससे आपकी वीडियो वायरल होने में भी हेल्प मिलती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब लिखने से आपकी सारी वीडियोस वायरल हों, हो सकता है आपकी कोई एक वीडियो वायरल हो जाए या दो तीन वीडियो वायरल हों। तो आपको सारी चीज़ों को अच्छे से अपना वीडियो का SEO करना है, उसके बाद ही आपकी, और ये प्रॉपर टैग्स लगाने हैं, उसके बाद ही आपकी ये वीडियो वायरल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस दो तरीकों से आप अपनी वीडियोस में वायरल टैग्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको पता लग गया होगा कि हम वायरल टैग्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।